नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। दोस्तों एक बड़ी खबर है नरवाना से। आपको पता है पंजाब के अंदर एक पूर्ण बहुमता था आम आदमी पार्टी का, 92 सीट आई थी और उसी तर्ज पर अब हरियाणा को भी देखा जा रहा है। राजनीति जो हरियाणा का है वहाँ पर भी चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। हरियाणा की राजनीति में बदलाव के आसार बढ़ने लगे हैं। यहाँ पर भी जगह जगह पर कैंपेन चलाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में बात करें तो जेजेपी पार्टी सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। हमारे साथ वही कार्यकर्ता है जिन्होंने जेजेपी पार्टी को छोड़ा है और आम आदमी पार्टी का धामन थामा है। अभी पहले जो आम आदमी पार्टी के उनसे बात करेंगे और जो जेजेपी पार्टी के कार्यकर्ता है उनसे बात करना चाहेंगे। आप सभी से अपील है वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जिस प्रकार से ग्राफ बढ़ता जा रहा है आम आदमी पार्टी का, कहीं ना कहीं राजनीतिक मायने चेंज हो रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर? सर मेरा अमनदीप गुलाटी। सर आज महेंद्र सिंह गोयल आए थे मेरे ख्याल में। जी महेंद्र सिंह। तो उनकी देख रेख में बताया जा रहा है कि सैकड़ों कार्यकर्ता जो जेजेपी के थे उन्होंने अपनी पार्टी को अलविदा कह दिया और आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। बिल्कुल जी बिल्कुल। यूथ जो है वो नई राजनीति की, पॉजिटिव राजनीति की शुरुआत चाहता है। हरियाणा में भी हो जैसे दिल्ली और पंजाब में हुआ है और आने वाला समय बिल्कुल मतलब आम आदमी पार्टी का होगा। 2024 में बिल्कुल मतलब सरकार बनेगी, ज़रूर बनेगी। और जो जेजेपी के हमारे और सदस्य है मतलब उनसे छोड़ के और जुड़े हैं आम आदमी पार्टी से, दीपक जी हैं और यूथ हैं हमारे, नरेश जी हैं, सभी से बात करना चाहेंगे। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल जी। नमस्कार जी। क्या नाम? नमस्कार जी। दीपक। दीपक आप पहले जेजेपी में थे जी? हाँ जी हाँ जी। क्यों छोड़ा आपने जेजेपी को? क्योंकि जेजेपी में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है जो युवा साथियों के लिए अंधकार का विषय बन चुका है। बिल्कुल हर रोज कोई ना कोई घटना कोई युवा साथी दे रहा है जो भी घटनाएं हो रही है और सरकार का इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। आपको लगता है आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने से कहीं ना कहीं आपको कुछ फायदा होगा, युवाओं को कुछ फायदा होगा? देखो अब दिल्ली की तरफ से पंजाब आया है और पंजाब की तरफ से हमारी सोच है कि आगे हरियाणा भी ऐसा ही हो। कितने कार्यकर्ताओं ने जेजेपी छोड़ी? कम से कम सैकड़ों। अगर मतलब ये एक छोटा प्रोग्राम किया था, हजारों भी हो सकते थे इधर। तो अभी एक और बात करना चाहें, क्या नाम था आपका? दीपक जी। जिन्होंने जेजेपी छोड़ी है और आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। हाँ जी सर। मैं रणबीर जी, मैं कहना चाहता हूँ जब से जेजेपी सरकार आई है इस सरकार में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी हो रही है और ये सिर्फ लूटों की सरकार है और कुछ नहीं इसके पास, और इसलिए हमने जेजेपी छोड़ के और आम आदमी पार्टी का हाथ संभाला है। हाँ जी सर। नमस्कार जी, नरेश कुमार। हमने आज जेजेपी को त्याग के और आम पार्टी का दामन थामा है। इससे अच्छी दिशा की तरफ गए है और युवा बहुत कुछ समर्थन किया है। ठीक है। आज क्या नाम है? मेरा नाम लवीस है। मैं अपने स्कूल टाइम से ही क्या नाम है, पहले इनेलो में वर्कर था और फिर जेजेपी में आया, लेकिन 7 साल मेरे को काम करने के बाद ऐसा लगा कि इसमें कुछ नहीं है, कोई काम नहीं हुआ उसमें। जो मेरे साथ लगे हुए थे आज वैसे तो वो उसी पार्टी में हैं लेकिन उनका भी कोई काम नहीं है, उसी जगह पर खड़े हैं। लेकिन दिल्ली और पंजाब में देखते हुए मेरे को ऐसा लगा है कि यहाँ हरियाणा में आम आदमी पार्टी को जिताएंगे और युवाओं को घर दिलाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कार्यकर्ताओं से हमने बात की है, बाकी कार्यकर्ता अंदर भी है और भी है और हमारी वीडियो में भी दिखाई देंगे। जब टोपी पहनाकर आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किया गया, श्री महेंद्र गोयल जी यहाँ पहुँचे थे पर टोपी पहनाई गई और आम आदमी पार्टी है वो ज्वाइन कराई गई जेजेपी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनको। एनजी न्यूज़ की खास रिपोर्ट दिखाई जा रही है नरवाना से। धन्यवाद। हरियाणा के अंदर भी ये फुल स्टेट है, यदि युवाओं को रोजगार चाहिए, युवाओं को नौकरी चाहिए तो आम आदमी पार्टी की सरकार आपको लेकर लेकर आओगे या नहीं लेकर आओगे? कैसे लेकर आओगे? कैसे लेकर आओगे? कैसे लेकर आओगे? झाड़ू का बटन दबा के। आवाज में करंट इतना होना चाहिए, किसी बेईमान पार्टी का आदमी यहाँ पे खड़ा हो ना उसके कानों के कीड़े जड़ने चाहिए। आपका बटर कहाँ दबेगा? आपका बटर कहाँ दबेगा? आपका बटर कहाँ दबेगा? आपका बटर कहाँ दबेगा? झाड़ू के इतने बटन दबा दो, इन बेईमान राजनीतिकों की नींद हराम कर दो और इनकी जमानत जब्त कर दो। ऐसा इस काम के पीछे जिला अध्यक्ष हमारे पहले राजकुमार पहल जी यहीं पे लगे हुए हैं, दिलबाग जी, दिलबाग का
गांधीराम जी, ये सभी का मिशन है अपने काम धंधों को छोड़ के। ये नहीं है कि टिकट तो एक को मिल रही है, और बहुत से साथी तो ऐसे लगे हुए हैं नरवाना हल्का के सीट रिजर्व सीट के अंदर, लेकिन अपना काम धंधा छोड़ के इसलिए लगे हुए हैं कि अपने बच्चों का भविष्य हमें दे। अपने माता बहन बेटी की इज्जत को हमें सुरक्षित करना है, हमारे बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, माताओं को, बहनों को, बेटियों को, बच्चों को वो स्वास्थ्य मिलना चाहिए जिनके वो हकदार। इसी नाते हम लोग दिल्ली के अंदर हॉस्पिटलों को अच्छा किया है, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल। मोहल्ला क्लिनिक की बात सुनिए, नहीं सुनी आप लोग? यहाँ पे भी चाहोगे नहीं चाहोगे, यहाँ के हॉस्पिटल में कितनी दवाई मिलती है ईमानदारी से? कुछ नहीं मिलता। ये व्यवस्था पलटनी है या नहीं पलटनी है जी? पलटनी है या नहीं पलटनी है? झाड़ू से सारे झाड़ू लग रहा है अब की बार 90 में से 90 दे के मान लो। दिल्ली के अंदर तो 70 में 67 सीट दे दी, एक बार 63 थी। पहली बार जब हमने चुनाव लड़ा था लोगों ने इनका तो खाता भी खुलता 28 सीट दे दी। और जब दिल्ली के कामों को देखा तो पंजाब वाला ने कमाल कर दिया, 117 में से अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, महेंद्र गोयल जी, महेंद्र गोयल जी। इस भाई को लगे कि मैं किसी गरीब के साथ, मजलूम के साथ कहीं पर अन्याय हो रहा हूँ, अपने आवाज को बुलंद कर सकता हूँ, तो वो टोपी थी। वो टोपी ये ना पहन ले, किसी गरीब को जाके वो सताएगा जरूर तो नहीं। हमें बहुत बड़ा टप्पर कथा, हमें चाहिए अच्छे और ईमानदार आदमी, अच्छे जो व्यक्ति एक से दूसरे का साथ दे सके उनकी। तो मैं आह्वान करता हूँ आज जिनको भी मेंबरशिप ड्राइव का हमारा प्रोग्राम चल रहा है, जो भी साथी यहाँ पे आज इस टॉपिक को ग्रहण करना चाहता है, आम आदमी पार्टी के सदस्य को लेना चाहता है, वो यहाँ पर आ सकता है और मेरे हाथ से वो टॉपिक पहन सकता है। इसके नियम मान लेते हैं, हम 10 साथी से काम चला लेंगे, 5 से काम चला लेंगे, 1 से चला लेंगे, लेकिन ईमानदार और सच्चा। बेईमान तो पहले ही बहुत है ना, वो चाहे वे बीजेपी वाले हैं या कांग्रेस वाले हैं या एनएलओ वाले हैं या जजपा वाले हैं, करा क्या उन्होंने आपके लिए? आप लोगों को लगता हो वो पार्टी वाले अच्छे हैं उनको वोट देना, आप लोगों को ये लगता हो आम आदमी पार्टी अच्छी है, अरविंद केजरीवाल की नीति अच्छी है, अरविंद केजरीवाल के विधायक अच्छे हैं, तो आम आदमी पार्टी के सिंबल के ऊपर इतने बटन दबा देना, ये काम करते हैं। शब्दों के साथ आप सभी का स्वागत है, जय हिंद जय भारत। पहनाओ जी, पहनाओ। भाई खड़े होइए एक बार। बुल्लू कहाँ गया? बुल्लू आ आजा आजा ठीक है बेटा, हो गया हो गया हो गया। आओ भाई, आओ 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 आओ